मध्य प्रदेश खरगोन जिले के गोगावा थाने से 2 किलोमीटर की दूर खरगोन सनावत रोड के समीप ग्राम सुरपाला में कमांडर और बस के आमने सामने भिड़ंत होने से कमांडर में बैठे 8 से 10 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह बाकी लोगों की सहायता व पुलिस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल खरगोन व गोगावा अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कमांडर के आगे के दोनों पहिए टूट गए और बाहर हो गए। चश्मदीदों का कहना है कि कमांडर की चाल अधिक तेज थी। क्या था मामला सर? आज एक एक्सीडेंट हो गया सुरपाला मुख्य मार्ग है जो खरगोन गोगावा रोड, उस पर खरगोन तरफ से एक कमांडर गाड़ी आ रही थी और गोगावा तरफ से बस जा रही थी। बालाजी बस सर्विस है, खरगोन से कसरावत चलती है, कसरावत से खरगोन, तो उस आपस में टकरा गई दोनों, जिसमें 8-9 लोग के करीब घायल हो गए। कमांडर में बैठी हुई सवारी, जिसमें से स्पॉट पर एक व्यक्ति की डेथ हो गई और 2 लोग हॉस्पिटल में उपचार के दौरान देहांत हो गए, उनका देहांत हो गया। यहाँ जो हॉस्पिटल में देहांत हुआ है वो कमांडर का ड्राइवर है सादिक, गोगावा का रहने वाला है। दूसरा नरसिंह यादव जो ठिबगांव के रहने वाले हैं, और जो स्पॉट पे जिनकी डेथ हुई है वो ठिबगांव के हैं, और जिनके एक और व्यक्ति की डेथ हुई है जो खरगोन के शंकर श्री नारायण पिता शंकर माली, उनका हुआ है, उनका देहांत हुआ है। एक वर्षा करके लड़की है जो ज़्यादा घायल है, जिसको रिफ़र किया गया है इंदौर। वर्षा वो भी खरगोन की रहने वाली है। क्या नाम? इसके अतिरिक्त 4-5 लोग और घायल हैं, पर वो प्राथमिक उपचार के बाद ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर।